नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारे पास LED बल्ब है वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसमें लाइट जरा सा भी नहीं जल रहा, तो उसको किस तरीके से बनाना है वो और ये हमारा LED लाइट है जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 2 रुपये के 3 रुपये के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से सिर्फ हमको ये LED लाइट बनाना है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास है सीरीज लैंप, ठीक है, हमारे पास सीरीज लैंप है। ठीक है, तो इससे सीरीज लैंप से पहले इसको लगाना है, तो ये हम इसमें अभी यहाँ से लाइन दे देते हैं, उसके बाद हम आपको लगा करके बताते हैं। देखें, आपने अगर सीरीज लैंप कैसे बनाया वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके और सीरीज लैंप किस तरीके से बनाया जाता है वो देख सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये हमारा सीरीज हो गया, ये सीरीज होल्डर है, तो इसमें सबसे पहले इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। देख सकते हैं ये हल्का हल्का ग्लो कर रही है, हल्का हल्का ही जल रहा है। तो इसको सबसे पहले ये ढक्कन ऊपर का खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये ढक्कन खोल दिया हमने, ठीक है, ढक्कन खोलने के बाद हम इसमें इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हैं ये हल्का हल्का ही जल रहा है। ठीक है, इसको पहले भी इसको बनवाया गया था, तो इसमें क्या हुआ था कि इसका जो एक LED जो ये आपको दिख रहा है कॉर्नर पे, ये ख़राब हो गया था, तो इसको किसी ने इसमें डायरेक्ट सोल्डिंग आयरन से इसको एक साथ सोल्ड कर दिया है। तो ये चल रहा था, चलने इस तरीके से चल करने से क्या होता है, इस तरीके से सोल्डिंग करने से क्या होता है कि लगभग 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना चलने के बाद ये फिर से वही प्रॉब्लम आ जाता है कि कोई ना कोई इसमें का LED ख़राब हो जाता है। तो इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है वो हम देखते हैं। हमारे पास इस तरीके का चिमटा होना चाहिए जो कि आपको किसी भी ये जो इस तरीके का जो भी बॉक्स आता है स्क्रू ड्राइवर का उसमें आपको मिल जाएगा। तो या तो आपके पास चिमटा जो भी चिमटा हो उसमें प्रॉपर टेप होना चाहिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। ठीक है, अगर चिमटा आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से वायर बना करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक किस तरीके से करना है वो हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें मीटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से स्पार्क होगा। स्पार्क हो रहा है मतलब इसमें इसका जो सप्लाई आना चाहिए वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो बराबर सप्लाई आने के बाद भी ये नहीं जल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखते हैं। ये चिमटे की मदद से हम इसको एक एक बल्ब को इस तरीके से शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट करके देखेंगे जल रहा है क्यों नहीं जल रहा। देखिए अभी भी पूरी तरीके से ग्लो नहीं कर रहा है, एक एक करके सभी को हम शॉर्ट करके देख लेंगे। देखिए ये जो लास्ट वाला बल्ब है, ये हमारा ये वाला बल्ब ख़राब हो चुका है। ठीक है, इस पर जब हम शॉर्ट करते हैं इस तरीके से तो ये हमारा पूरी तरीके से ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सीज होल्डर से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ये इसके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो अभी चार्ज हो चुका है, कुछ देर तक चार्ज ही रहता है क्योंकि यहाँ से ये आगे सप्लाई नहीं दे रहा है। तो इसको हम सबसे पहले ये शॉर्ट कर लेते हैं, ये हमारा चार्जिंग ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये जो हमारा बल्ब है, ठीक है, ये जो हमारा बल्ब है चिमटा हो या फिर ये स्क्रू ड्राइवर हो, किसी चीज़ की मदद से हम इसको तोड़ लेंगे। ये जो बल्ब है ये आसानी से टूट जाता है, तो इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसमें 2 पार्ट है, इसमें ये जो चौड़ा वाला जो होता है, एक साइड का चौड़ा वाला है, ये हमारा प्लस है। ठीक है, और ये छोटा वाला जो है ये हमारा माइनस है। ठीक है, तो हम इसको चलिए लगाते हैं और आपको दिखाते हैं।
इस तरीके से बॉल को यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो दोनों बल्ब का, ये जो इस बल्ब का टर्मिनल है, ये आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। ये शॉर्ट होने के कारण से, ये शॉर्ट होने के कारण भी आपका बल्ब चालू हो जाएगा। मतलब इस बल्ब को अगर यहाँ पे हम ये बल्ब की जगह पर अगर शॉर्ट कर देते, ठीक है, ये बल्ब नहीं लगाते तो भी हमारा ये लाइट ग्लो करता, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो हमारा बल्ब का जो भी आउटपुट सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, ठीक है, इसमें जितने भी बल्ब लगे हुए हैं, इसमें जितने भी बल्ब लगे हुए हैं उस पर सीरीज में लगा हुआ होता है और सब में इक्वल इक्वल डिवाइड होता है, ठीक है। अगर हम ये बल्ब नहीं लगाते, इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो भी वोल्टेज आ रहा है इसका, जो भी इसका डीसी वोल्ट आ रहा है, जितना आपका वोल्टेज डीसी वोल्टेज आ रहा है, ये लगाने के कारण आपका इक्वल सब में डिवाइड जो हो रहा था वो सेम इक्वल ही रहेगा, ठीक है। बस आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। और ये अगर सीरीज में भी लगाते हैं, ये बल्ब हटा करके यहाँ पे आपस में सोल्डिंग भी कर देते हैं, उसके कारण भी ये चालू हो जाएगा। तो उस तरीके से करेंगे तो आपका महीना, दो महीना, 15 दिन 10 दिन में आपका ये जो बल्ब है वापस से ख़राब हो जाएगा, एक ना एक इसमें फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको चालू करके देखते हैं। देख सकते हैं ये बराबर ग्लो करने लग गया है, ठीक है। तो ये हमारा बल्ब ओके हो गया हुआ। बस इसको ये ध्यान देना है कि इसका जो टर्मिनल है, ये हम थोड़ा छोटा करके इसको सोल्डिंग करेंगे, जिससे हमारा ये जो कैप है इसका बल्ब का, वो हमारा आपस में ये इसमें, वो हमारा इसमें सही तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो देख रहे, ये इतना अंदर करके इसको सोल्डिंग किया हुआ है कि ये आराम से इसमें हम लगा पाएंगे। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं, ये हमारा हमारा बराबर ग्लो कर रहा है, ये बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।